हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पंचायत व नगर परिषद चुनावों की घोषणा होते ही चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वही नूरपुर खंड विकास कार्यालय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। नूरपुर विकास खंड अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि बाडो पंचायत प्रधान बीडीसी का रोस्टर घोषित कर दिया गया है और बहुत जल्दी पंचायतों का भी शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। रोहित शर्मा ने बताया कि चुनाव से पहले संबंधित स्टेशनरी भी तैयार कर ली है। इसके साथ ही जो नई पंचायतों में पोलिंग बूथ बने हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश आएंगे वैसे ही काम किया जाएगा। देखिए, रोस्टर जो वार्डों का है, बीडीसी का है, प्रधानों का जो है, वो कल हमने जो है डिक्लेयर कर दिया है। और आपको भी पता है, इलेक्शंस आने ही वाले हैं। अभी कल नगर जो अर्बन बॉडीज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनके लिए जो शेड्यूल है वो घोषित हो चुका है। पंचायती जो पंचायतें हैं उसके लिए भी जल्दी ही घोषित हो जाएगा। तो उसके तहत हमने तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। हमने विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की सूचियां मंगवा ली हैं ताकि समय रहते ही ड्यूटीज लगा दी जाएं। साथ ही साथ जो स्टेशनरीज और इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका भी रखरखाव कर लिया गया है। साथ ही हमें जो एंटिसिपेटेड है कि जो आएगा आगे इक्विपमेंट्स, उसके लिए भी तैयारियाँ कम्प्लीटली कर ली हैं। हम साथ ही साथ जो हमारे पोलिंग बूथ्स बने हैं, जो नई पंचायतों में पोलिंग बूथ्स बने हैं, उनकी एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सेक्रेटरीज से ले ली गई है। साथ ही साथ उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। आज 18 को जो है हमारी 5 जो नई पंचायतें बनी हैं उनकी वोटर लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। तो सब काम स्मूथली चला हुआ है। अब जैसे ही जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वहां से निर्देश आते हैं और जो हमारा शेड्यूल आता है उसके हिसाब से जल्दी कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।